हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन एकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी फॉरेस्ट वाले हैं जिनका फॉरेस्ट मीन्स जो देना चाहते हैं। चलिए, तो एमपीपीएससी के अंदर एज यू नो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, वो है फॉरेस्ट रेंजर। और एसीएफ का पोस्ट होता है, साथ में उसमें प्रोजेक्ट फॉरेस्टर का भी आपको पोस्ट होता है। तो इन तीनों पोस्ट के लिए अलग से एमपी फॉरेस्ट जो है उसकी तैयारी करना पड़ती है। प्रीलिम्स के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस तो यहाँ पर आपको सेम है, लेकिन तुमको साइंस फास्ट लगा और फॉरेस्ट्री तुमको आता है, कमाल है। साइंस के बारे में बात करेंगे लेकिन तुमको फॉरेस्ट्री आता है या उसका सिलेबस देखा ही नहीं तुमने? हाँ, पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों को इसका सिलेबस ही पूरा नहीं पता है। बच्चे पर सिलेबस देख ले और बाप रे इतना बड़ा सिलेबस है। और सच में साइंस का सिलेबस, पीसीबी जो है उसका सिलेबस उसने काफी बड़ा यहाँ पर आपको दिया है। और ये तमाम टॉपिक आपको कंप्लीट आपको करने, और बहुत ही वास्ट और बहुत अच्छा सिलेबस आपको दिया हुआ है। कुछ नई चीजें आपको पढ़ने को इसके अंदर आपको मिलेगी, क्योंकि वही चीजें आप कई बार आपको पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे कई सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने का यहाँ पर आपको मिलेगी। अब ये जो पूरा पेपर है, तो ये फॉरेस्ट का जो मेंस है, तो फॉरेस्ट के मेंस में पूरा जो पेपर होता है, तो मेंस का जो पूरा पेपर होता है फॉरेस्ट्री का, तो वो पेपर होता है 450 मार्क्स का, 450 मार्क्स का आपको होता है। और इसके अंदर भी दो सेक्शन होते हैं। एक होता है पार्ट ए, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, वो पूरा सिंपल सा सिलेबस है। दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर यू हैव एमपी की तीनों यूनिट, एमपी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर दूसरे कुछ आईसीटी वगैरह, वो सब टॉपिक आपको दिए हैं। और ये पूरे क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन इसके अंदर आपको आते हैं। फिर पार्ट बी है जो फॉरेस्ट्री और साइंस वाला आपको पार्ट है, इसके आपके अंदर आपको आते हैं 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। तो ये पेपर जो है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो ये 150 नंबर आपको हो गया। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो ये 300 नंबर का हो गया। तो कुल मिला के जो पूरा सिलेबस है, वो पूरा जो पार्ट बी है, मतलब पूरा जो पेपर वन, इसका पूरा पेपर है फॉरेस्ट वाला, ये पूरा पेपर जो है वो 450 मार्क्स का, 450 मार्क्स का है। अभी जो रिजल्ट आया था उसमें जो टॉपर थे तो उनके 377 मार्क्स, जो 383 मार्क्स है, 383 मार्क्स इसके अंदर यहाँ पर आपको गए थे। तो 383, सॉरी 377, 377 आपको गए थे टॉपर के। तो आउट ऑफ 450 उसके 377 मार्क्स थे। उसके बाद 2020 में इसका सिलेबस चेंज हो गया। 19 में जो सिलेबस है, 19 के पहले अलग था, 20 में पूरा सिलेबस इन्होंने आपको रिवाइज यहाँ पर आपको कर दिया है। तो अभी उसने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स भी उसके अंदर यहाँ पर आपको ऐड आपको कर दिए। तो अभी हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे, उसके साथ इसका जो पूरा कोर्स है वो 26 से आपको स्टार्ट हो रहा है, 26 से शुरू हो रहा है, 26 तारीख से लेके तो वो जुलाई के एंड तक है ना, जुलाई 31 जुलाई तक पूरा कोर्स आपको चलने वाला है। तो इसमें आपको मैं मेंस में पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूँ। फॉरेस्ट वाला 1 2 3 यूनिट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बाकी हम सिलेबस हम पूरा भी यहाँ पर आपको देखेंगे। अब ये अगर इसके पेपर को आप देखोगे ना, तो पेपर कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। जो सिलेबस में टॉपिक आपको दिए उतना अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है तो आपके क्वेश्चन आराम से आपको बन जाएंगे, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बस आपको सिलेबस एक बार उसका प्रॉपरली आपको कंप्लीट करना है।
ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात ये कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको होती है, और नेगेटिव मार्किंग इट्स 1/3, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको होती। तो इसमें यूपीएससी जैसा गेम है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक बात आपको याद रखना है कि इट कंसिस्ट द नेगेटिव मार्किंग, है ना, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको होता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब एक गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका जो एक नंबर है, एक नंबर इसके अंदर यहाँ पर आपको कट जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग वाला इकलौता पेपर एमपीपीएससी में, है ना, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही सही तरीके से आपको इनके आंसर्स को यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। और सिलेबस इतना बड़ा दिया है कि आपको उसको 2-2.5 महीने पढ़ने में यहाँ पर आपको लगेगा। ओके, तो अगर आपके फॉरेस्ट्री में नंबर अच्छे हैं, मतलब जो पेपर जो 2 है उसमें भी नंबर अच्छे हैं, और अगर आप 150+ अगर 2022 में भी आपको आ रहे हैं, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके अलावा आप आगे भी, अगर आपको 23 का भी देना है या आगे भी आपको एग्जाम देना है, तो आपको अभी से ये जो सिलेबस है इसको कंप्लीट करके आपको सॉरी कंप्लीट यहाँ पर आपको कर लेना, चाहे 21 का हो चाहे 22 का हो, क्योंकि पूरा सिलेबस 21 और 22 का सेम है। तो अभी हम लोग जब लेके आए हैं ना इसको, तो 21 और 22 दोनों कवर हो जाएगा, क्योंकि 21 का जो एग्जाम है वो अगस्त में है, तो उसके पहले ये कंप्लीट हो ही रहा है। उसके बाद 22 का जो एग्जाम है वो नवंबर में है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो 21 22 दोनों के काम में यहाँ पर आपको आएगा। तो पूरा जो टॉपिक का नाम है वो है फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस, है ना, फॉरेस्ट्री और जनरल साइंस, या बोला आपका वनांकन वन और आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है। उसके पहले अनअकैडमी के इंपॉर्टेंट ऑफर के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी का जो इंपॉर्टेंट ऑफर है, उस ऑफर में आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे भी 6 महीने का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए आप सिंपली मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड, यू विल गेट 6 मंथ एक्सटेंशन ऑन द प्लस क्लासेस। 6 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जो है वो 1 दिसंबर में है। अच्छा, ओके, तो 6 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कई सारे बैचेस हैं, जैसे प्री और मेंस के लिए एक बैच आपको है, एमपी फॉरेस्ट का एक पूरा बैच है, जिसमें ये वाला बैच पार्ट 1 का है। पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये पार्ट 1 का है। और मैं आपको, मतलब ये ऑलरेडी आपको चल रहा है, और पार्ट 2 भी अभी शुरू हुआ है, जिसमें पार्ट 2 के अंदर जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 3 यूनिट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वो आपको शुभम सर पढ़ाने वाले हैं, और उसके अलावा जो मैथ्स वाला यूनिट है वो आपको कपिल सर पढ़ाने वाले हैं। तो 3 एजुकेटर मिलके आपका पूरा जो पीसीबी या पूरा जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस में, तो 5 यूनिट जो मैं कवर करूंगा पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला यूनिट है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, सेकेंड यूनिट है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, थर्ड है फॉरेस्ट पॉलिसी एंड आपका लेजिस्लेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और ट्राइब्स ऑफ द मध्य प्रदेश। अच्छा, आप में से कितने लोग जो फॉरेस्ट देंगे वो हिंदी मीडियम वाले हैं? क्योंकि एक पोल किया था मैंने चैनल पे, तो उसमें मतलब 80% बच्चे हिंदी वाले थे। ये मुझे थोड़ा वो जमा नहीं फैक्ट, क्योंकि 80% बच्चे हिंदी वाले हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो हिंदी वाला कौन कौन है? बुक बता देने थे ना? मतलब मुझे जहां तक लगता है तकरीबन 70% बच्चा इंग्लिश वाला ही होगा, तुम हिंदी में हो। नहीं, कोर्स तो बाइलिंगुअल होगा, और कोर्स 26 तारीख से शुरू होगा, तो कोर्स तो बाइलिंगुअल होगा, है ना? हाँ, आई थिंक। अच्छा, तुम्हारा भी हिंदी है? नहीं, कम नहीं है, सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो 15 सीट उसने डिक्लेयर अभी की है, और उसने बोला था कि बाकी सीट हम लोग बाद में डिक्लेयर करेंगे, तो सीट्स एक्चुअली भी डिक्लेयर नहीं हुई, तो रिजल्ट आने के पहले सीट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। और जहां तक उम्मीद है 100 पोस्ट जो है वो उसके अंदर आपको इंक्रीज हो जाएगी, और 100 पोस्ट अगर फॉरेस्ट की है तो 100 बहुत होती है। 2021 में जो है वो, 21 में नहीं, 19 में, 19 में भी 100 के आसपास यहाँ पर आपको पोस्ट है, तो वो भी काफी सारे आपको पोस्ट है, तो इसमें भी आपको काफी पोस्ट मिलेगी। अभी डिक्लेयर नहीं की है उसने, 15 पोस्ट डिक्लेयर की थी, और बोला था कि बाकी पोस्ट हम लोग आगे डिक्लेयर करेंगे, तो पोस्ट डिक्लेयर हो जाएंगी, उसकी चिंता आप लोग मत आपको करो, ठीक है। उसके बाद 23 में भी आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, यूटिलाइजेशन, लेजिस्लेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ट्राइब्स
ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, वन और फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक दिया है, जिसमें बहुत ही बेसिक चीज है कि व्हाट इज फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का बेसिक डेफिनेशंस आपको क्या है, फॉरेस्ट्री की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजीज आपको क्या है, फिर उसके बाद हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट, वन का बैकग्राउंड क्या है और वो फॉरेस्ट की हिस्ट्री आपको क्या है कि जंगलों का निर्माण कैसे हुआ और जंगलों की इतिहास आपको क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का रोल आपको क्या है। इसमें कई सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी आपको फॉरेस्ट का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, या फॉरेस्ट के इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का कोई टॉपिक आपको दे दिया, तो वो सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और इंडिया का फॉरेस्ट कवर, जिसके अंदर इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है वो हम लोग आपको पढ़ेंगे। तो डिटेल में 2021 का पूरा सिलेबस है, मतलब पूरा उसको डिटेल में पढ़ूंगा, क्योंकि आपका दिसंबर में अगर एग्जाम है तो तब तक 2023 वाली रिपोर्ट नहीं आएगी, वो भी दिसंबर के एंड तक आपको आती है या जनवरी फरवरी में आपको आएगी। तो 21 का जो रिपोर्ट है वो 21 की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग तमाम चीजों का आपको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फॉरेस्ट का इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द एनवायरमेंट, पर्यावरण पे फॉरेस्ट का क्या प्रभाव आपको पड़ता है, जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट आपको क्या है, या आपका बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर आपको इम्पैक्ट क्या है, उसके कई सारी बेसिक टर्म्स यहाँ पर आपको होती है। उसके बाद फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, भारत का फॉरेस्ट टाइप क्या है, फॉरेस्ट के प्रकार और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट टाइप। अब अगर फॉरेस्ट टाइप को आप लोग देखोगे ना तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से अलग होता है, या ट्रीज के हिसाब से अलग होता है, ज्योग्राफिकल डिविजन के हिसाब को अलग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो सिलेबस है उस सिलेबस को यहाँ पर आपको डिवाइड किया जाता है, विभाजित आपको कि मतलब फॉरेस्ट टाइप को आपको डिवाइड किया जाता है, ताकि आप अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति उसको आपको समझ सके। उसके बाद फॉरेस्ट के डिक्लाइन का रीजन क्या है, वनों का धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है उसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन और उसके अलावा जो भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन आपको हो रहा है तो उसका इकोलॉजी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसका एनवायरनमेंट के ऊपर आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF जिसको हम लोग आपको बोलते हैं, तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, क्योंकि जब जंगल में जाओगे तो जंगल में आपको नीम है, बबूल है या आंवले वगैरह है, ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको खेर है, सागवान है, बैम्बू है, इस तरह के ट्रीज मिलेंगे। तो ट्री इनसाइड द फॉरेस्ट और ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, उनमें काफी ज्यादा यहाँ पर आपको अंतर होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आउटसाइड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाहर आपको कौन कौन से ट्रीज हैं, वो एक बड़ा टॉपिक है जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी दिया है। उसके अलावा कई सारे ऐसे ट्रीज है जो आउटसाइड एरियाज में आपको होते हैं, चाहे वो खेजड़ी हो या आपके श्रब्स वगैरह यहाँ पर आपको, या बाकी आपको पेड़ हो। उसके बाद स्टेट वाइज फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोइंग स्टॉक, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज आपको कैसे हुआ है, स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश के आसपास का जो पूरा एरिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन सम पार्ट ऑफ द यूपी और झारखंड वाला पार्ट आपको उस तरफ आपको हो गया, तो इन रीजन के अंदर फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा डीप है। जब मध्य प्रदेश की ईस्टर्न एरिया से हम लोग उधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ और जाएंगे, तो एमपी के ईस्ट से लेके आगे की तरफ जो फॉरेस्ट है काफी डीप फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले। तो स्टेट वाइज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद सिविक्स एंड सिविकल्चर आपको क्या होता है, ये बहुत बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मुश्किल से जो सिविकल्चर वाला जो टॉपिक है वो मैं बना पाया, उसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लगा है और उसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में चीजें यहाँ पर आपको बनाई है। उसके बाद फॉरेस्ट रीजनरेशन, फॉरेस्ट को कैसे रीजनरेट किया जाता है, फिर कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है ट्री का, पेड़ों का जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है, महत्व यहाँ पर आपको क्या है, इसकी स्लाइड्स आप देखोगे ना तो आपको फ्लाइट देख के मैं बोलूंगा मजा आ जाएगा, इतनी डिटेल में और इतने शानदार तरीके से इसकी स्लाइड्स बनाई है, बहुत ज्यादा मेहनत इसके अंदर आपको की है। एक बार मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ इसकी, तो ये पूरा आपका आई विल ट्राई टू मेक इट बहुत सिंपल और बहुत प्रॉपर तरीके से उसको बनाने की कोशिश की है। वो स्लाइड मतलब आपको उसको देखने में मजा आएगा कि यार मतलब ठीक ठाक आपको यहाँ पर आपको लग रही है। तो बहुत मेहनत करके इस पूरी जो स्लाइड है इसको पूरा बनाया है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। मतलब इसको YouTube पे पढ़ाने में और मजा आता, कुछ टॉपिक में YouTube पे भी पढ़ाऊंगा इसके, इसको बहुत आराम से और बहुत बहुत दिल से बनाया है स्लाइड को, तो इस कोर्स को जरूर अटेंड करना, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये सिवी कल्चर आपका हो गया, या सिवी कल्चर या उसको
हाँ तो कहाँ गया भाई, आ जाओ। ठीक है, तो सिविक कल्चर हो गया जहाँ पर पेड़ों का कैसे डेवलप किया जाता है, फॉरेस्ट रीजनरेशन है, फॉरेस्ट का रीजनरेशन या जो फॉरेस्ट है उसकी पुनः उत्पत्ति है वो किस प्रकार से की जाती है, और उसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट जो ट्रीज हैं, तो कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है अलग अलग तरह के कमर्शियल ट्रीज आपको होते हैं जो आज के टाइम पर, अब क्योंकि पूरे भारत की बात यहाँ पे हो रही है, सिर्फ एमपी की बात नहीं हो रही, इंडिया के एमपी के अलावा भी बाकी जो तमाम स्टेट है, जैसे साउथ के अंदर एक अलग कल्चर होगा, नॉर्थ में अलग तरह का ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको मिलेंगे, तो उसके हिसाब से जो अलग अलग इंपॉर्टेंट जो ट्रीज हैं पूरे इंडिया में, तो उन इंपॉर्टेंट ट्रीज के बारे में, उसके बाद उनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनके बारे में भी हमको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद वी हैव द यूनिट नंबर 2 विच इज कॉल्ड द फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट का उपयोग कैसे किया जाता है। अब इसमें भी आपको अलग से डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपको दी है, जितने भी टॉपिक आपको दिए हैं, वुड प्रोडक्ट हो गए या वुड सीजनिंग हो गई, वुड प्रिजर्वेशन वगैरह हो गया, ये तमाम चीजें जो हैं इनकी डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी आपको दी है कि वुड प्रोडक्ट, फिर प्लाईवुड्स हैं, पार्टिकल वुड है, पल्प एंड पेपर हो गया, सॉ मिलिंग हो गई, मतलब ये एक तरीके से फॉरेस्ट का जो कमर्शियल उपयोग जिस तरीके से आपको किया जाता है, तो कमर्शियल उपयोग यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, तो कौन सी बुक? मणिकंदन कोई बुक आती है क्या? मुझे उसके बारे में नहीं पता, ये तो पूरा मैंने इग्नू और अलग अलग जगह से आपको बनाया है, बट जितने आपका काम का है वो सब चीजें स्लाइड में आपको, मुझे लगता है कि वो जो किताब है, इट मे बी पॉसिबल वो किताब थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए तो नहीं होगी कि एमपी फॉरेस्ट के लिए नहीं होगी, वो हो सकता है कि फॉरेस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं, जो बीएससी वगैरह करते हैं, उनकी बुक आपको होगी, तो बुक मुझे देखना पड़ेगी एक बार, बट इसमें आपको सभी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद शायद आपको बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम टॉपिक आपके, मैक्सिमम क्या, पूरा ही सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका लॉगिंग है, फॉरेस्ट मेजरमेंट, ट्री की हाइट कैसे मेजर की जाती है, वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है, बायोमास कैसे मेजर किया जाता है, तो तमाम टॉपिक आपको दिए कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट करने की कई सारी अलग अलग टेक्निक्स आपको होती है। फिर नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपको है ना, नॉन वुड जो से संबंधित नहीं है, फाइबर्स, फ्लोएस, ग्रासेस, टेनिन, गम, डाई, रेजिन, आपका ऑल रेजिन, एसेंशियल ऑयल, ट्री बॉर्न ऑयल डिजीज, मेडिसिनल प्लांट, तमाम टॉपिक दिए हैं। हिंदी में बात करें तो काष्ठी उत्पाद, काष्ठ सीजनिंग, काष्ठ परिभक्षी, प्लाईवुड, पार्टिकल वुड, लुगदी, आरा मशीन, लट्ठा, वन मापन, अकाष्ठीय वन उपज, मतलब नॉन जो नॉन वुड है, रेशे, फ्लाइसेस, घारा, टेनिन, गौन, तमाम अलग अलग जो टर्म है, अलग अलग टर्म्स आपको दी गई, और ये काफी डिटेल में कि मेजरमेंट कैसे होता है, या आरा मशीन का यूज कैसे करते हैं, पार्टिकल वुड यहाँ पर आपको क्या होता है। फिर तीसरा जो यूनिट दिया, इट्स कॉल्ड द फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन एंड लेजिस्लेशन, है ना, वन नीति, और उसके ऊपर जो अलग अलग कानून आपको बने हैं उन कानूनों के बारे में। अब इन कानूनों के अंदर, अच्छा आईएफएस के लिए है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है भाई, मत पढ़ना, इससे काम हो जाएगा अपना, हो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फॉरेस्ट को लेके अलग अलग जो पॉलिसीज बनाई गई, तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी, उसके बाद ब्रिटिशर्स के टाइम पर पहली बार भारत के अंदर जो वन नीति है, वन नीति आता है 1894 में, तो फॉरेस्ट नीति 1894, 92, 52 और 1988। अब इनमें भी ऐसे नहीं पूरी पॉलिसी नहीं, पॉलिसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग देखें तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आपको आते हैं, तो पॉलिसी के बेसिक फीचर्स हमको पढ़ना है कि बेसिक उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम क्या था वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे जो अलग अलग जो फॉरेस्ट लॉज हैं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इन 1927, 2002, 2006, है ना, और उसके बाद जो फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं इसका कंपेरिजन, के अलग अलग फॉरेस्ट पॉलिसी हैं उनके कंपेरिजन इसके अंदर आपको हो गए। ओके, तो आईएफएस में फॉरेस्ट की पोस्ट मिलती है ना, इंडियन जैसे आपका पुलिस में होता है ना, पुलिस में आप देखते हो कि एसपी होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, या डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का आपको हेड होता है, उसी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर जो आईएफएस होता है तो वो उसको जनरली पोस्ट मिलती है डीएफओ की, है ना, तो पहले मतलब डीएफओ वगैरह का, असिस्टेंट डीएफओ वगैरह आपको बनता है, उसके बाद उसको डीएफओ का पोस्ट मिलता है। डीएफओ इज इक्विवेलेंट टू कलेक्टर अपने फॉरेस्ट की टर्म में, तो फॉरेस्ट के अंदर डीएफओ जो है वो जंगल का यहाँ पर एक तरीके से हेड आपको होता है, जैसे कलेक्टर जिले का हेड है, उसी तरीके से उस जिले के अंदर जो भी वन क्षेत्र है उसका हेड आपको डीएफओ होता है, और जैसे आईएएस के नीचे फिर स्टेट डिपार्टमेंट होता है, उसी प्रकार से डीएफओ के नीचे फिर आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको होता है, जिसके अंदर आपको असिस्टेंट कंजर्वेटर एसीएफ आपको होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, है ना, या उसके नीचे फिर आपके रेंजर्स होते हैं, डिप्टी रेंजर्स होते हैं, फिर फील्डमैन होते हैं,
ऐसी तमाम पोस्ट उसके अंदर यहाँ पे कंटिन्यूशन में आपको होती है। तो वो वहां से पद वो स्टार्ट होता है जो आईएफएस के माध्यम से बनता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के माध्यम से। आप लोग जो इस फॉरेस्ट एग्जाम क्लियर करके जब जाओगे तो आपको रेंजर की या असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट है उसको जनरली एसडीएफ भी कहा जाता है ना, तो सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, एसएफ या फिर एसडीएफ भी कहा जाता है। तो वो उस पोस्ट के ऊपर आपको उसमें पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और उसके अंदर अमेंडमेंट। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप मैथ्स रीजनिंग वाले हो, आपका सीसेट का पेपर भी आपको अच्छा गया है और आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं प्री में, प्री के अंदर, तो मेरा मानना ये है कि अगर पोस्ट ठीक ठाक है तो आपको फॉरेस्ट की तैयारी प्रॉपर तरीके से आपको करना चाहिए। मैंने कई सारे स्टूडेंट देखे जो फॉरेस्ट का मेंस तो निकल जाता है, प्री तो निकल जाता, देने नहीं जाते प्री, मतलब मेंस देने नहीं जाते, मतलब कौन पढ़ेगा इतना। एक बार अगर निकल गया तो प्रॉपर पढ़ लिया तो इसमें पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा आपको होते हैं। इवन 19 में तो जो सिलेबस था उसमें बच्चों ने 19 वाला सिलेबस पढ़ के उन्होंने क्लियर आपको किया है, और ये तो पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, रिटन नहीं है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम है। तो इसमें आंसर राइटिंग का भी आपको दिक्कत आपको नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें वास्ट सिलेबस जो है आपको डिटेल के अंदर यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एसीएफ में टाइम लगता है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मतलब ये समझो कि फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तुमको प्रमोट करती है एज अ आईएफएस, या कई बार क्या होता है कि कुछ पदों में जो जो सीनियर एसीएफ होते हैं उन एसीएफ को भी डीएफओ के रूप में बनाया जाता है। तो वो सीनियर जो एसीएफ होते हैं उनको डीएफओ बना दिया जाता है, जैसे जिले में होता है ना कि नॉन आईएएस या नॉन आईपीएस, आपका नॉन आईएएस जो है उसको कलेक्टर बना दिया, उसी तरीके से जो नॉन आईएफएस होते हैं उनको भी डीएफओ वगैरह आपको बना दिया जाता है। बट वो सीनियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर राज्य क्या करता है कि कुछ प्रमोशन भी आपको कर देता है, उन प्रमोशन में उनको आईएफएस कैडर जो है कैडर भी दे दिया जाता है, जो राज्य के पास में लिमिटेड चीजें यहाँ पर आपको होती है। नहीं, नेगेटिव मार्किंग शुरू से थी, शुरू स्टार्टिंग से थी। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 फॉर द ट्राइबल, फॉरेस्ट ट्राइबल जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको है बड़ा इंपॉर्टेंट आपको है, इसमें जो जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं उन लोगों को वहां रहने का अधिकार दिया, छत्तीसगढ़ में उसको लेकर बड़ा इशू अभी हुआ था। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ, फिर बैम्बू फ्रीड फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001, तो तमाम कानून आपको दिए। अब इन कानूनों को आपको सिर्फ बेसिक देखना है कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके एम क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ बेसिक उसके अंदर उनके टारगेट्स वगैरह आपको क्या है, वहीं से डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है। एक मिनट, हिंदी में देखो आप। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या वन संरक्षण, उसका वन का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन आपको करना। तो इसके अंदर जो टॉपिक है टर्मिनोलॉजी, डिफाइन डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी हर टॉपिक में दी है। फिर अब मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजर एजेंट, आपका इंजरियस एजेंसी, मैन, एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट, तो अलग अलग जो एजेंसीज है जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन की, इंसान हो गया, जानवर हो गए, प्लांट्स वगैरह हो गए, उनका प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर, फॉरेस्ट फायर एंड द कंट्रोल मेजर। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जनरली आग लग जाती है, उस आग को बुझाना एक बड़ा चैलेंज आपको हो जाता है क्योंकि फॉरेस्ट में वो नहीं जा पाएगी ना, आपकी फायर ब्रिगेड है, तो उनके लोकल तरीके होते हैं उसको बुझाने के। ग्रेजिंग एंड ग्रेजिंग मैनेजमेंट, एक बड़ा प्रॉब्लम है ग्रेजिंग का, तो ग्रेजिंग कैसे रोका जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। अफॉरेस्टेशन, वनीकरण जिसको हम लोग आपको बोलते हैं, इसको लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कानून भी है, इट्स कॉल्ड द कैंपा। तो वो कैंपा के माध्यम से किस प्रकार से अफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, फिर रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द क्लाइमेट मिटिगेशन है ना, उसमें क्लाइमेट मिटिगेशन या जो पर्यावरण जो शमन है उसमें फॉरेस्ट का क्या रोल है, और इसको लेके हम लोग मतलब लगातार, जैसे अभी कल ही प्रधानमंत्री ने बोला कि हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट समिट के जो टारगेट्स है उन टारगेट्स को
इंडिया ने यहाँ पर आपको अचीव कर लिया है, और इंडिया उसके अंदर बहुत पॉजिटिवली तरीके से आपको काम कर रहा है कि हम लोग जो आपका जो पेरिस क्लाइमेट समिट है उनके टारगेट्स को हम लोग आपको अचीव कर पाए। और उसके अलावा मतलब एमपी फॉरेस्ट को लेके भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, इवन उसमें एमपी भी है वो भी काफी एक्टिव है। फिर फॉरेस्ट का ऑप्शन है, उसमें फॉरेस्ट का आपका क्या रूल है, उसके बाद भी अदर नेशनल पार्क्स, सेंसस, फॉरेस्ट सेंसस जो हो गया, इकोसिस्टम सर्विस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रिजर्व फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये तमाम जो चीजें हैं जो हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ते हैं, तो तमाम चीजें इसके अंदर यहाँ पर आपको दी हुई हैं। रुक गया क्या? ओके, तो ये हिंदी में यहाँ पर आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जनजातियां यहाँ पर आपको दी गई है। अब इन जनजातियों में ये ऑलमोस्ट टॉपिक वही है जो आप प्री के लिए यहाँ पर आपको पढ़ते हैं। तो मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स सबकास्ट भील, गोंड और बेगा है ना, NETC, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ द MP, बेगा, भारिया, सहारिया, उनका इंट्रोडक्शन, उनके रीजन, उनके लैंग्वेज, डायलैक्ट, मेजर इंस्टीट्यूशन एंड म्यूजियम फॉर द ट्राइब्स, उनके लिए कौन कौन से संस्थान है, फेस्टिवल, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जो ट्राइब्स कल्चर हैं, फिर वेलफेयर स्कीम ऑफ द स्टेट, रोल ऑफ ट्राइब्स इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, जल संरक्षण या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है उसमें ट्राइब्स का क्या यहाँ पर आपको रोल है, और उसमें भी हम लोग काफी डिटेल में जो अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग जो मेथड्स होती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, या वो जो जूम कल्टिवेशन आपको करते हैं तो जूम कल्टिवेशन किस तरीके से फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है, कैसे नुकसान करता है, तो तमाम टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, ये तो बात हो गई यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की, जो पूरा फॉरेस्ट वाला, सॉरी सॉरी यार सर्दी हो रही थोड़ी और इसमें मैं म्यूट नहीं कर सकता। ओके, तो ये 5 यूनिट जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, 5 यूनिट। उसके बाद अगला जो यूनिट है वो है केमिस्ट्री। जैसे अनमोल बोल रहा था कि सर बहुत बड़ा सिलेबस आपको दिया है, हाँ थोड़ा सा सिलेबस इसका यहाँ पर आपको डिटेल है, और इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसने सिलेबस को 11th 12th के लेवल पे यहाँ पर आपको ले गया, बट इतना भी कोई समस्या इसके अंदर यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, यूनिट 1 to 5 में पूरा पढ़ाऊंगा, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ये आप मेरे जो MPPSC की जो क्लासेस हैं वहां से भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेंगे तो वहां से भी आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ 1 to 5 में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ओके, उसके बाद जो दिया है मेटल पोजीशन ऑफ मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड जनरल प्रॉपर्टी, मेटल मिनरल ओर्स, डिफरेंस बिटवीन द मिनरल एंड ओर, फिर मेट्रोलॉजी एंड अ कंसेंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग ऑफ द ओर, ठीक है। तो पूरा वो ओर रिफाइनिंग वगैरह के बारे में मेट्रोलॉजी आपको दिया हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक मेट्रोलॉजी दिया है, नॉर्मली मेट्रोलॉजी नहीं आता सिलेबस में। फिर मेट्रोलॉजी ऑफ द कॉपर एंड आयरन, कोरोजन ऑफ द मेटल, पता नहीं मेट्रोलॉजी करा के फॉरेस्ट में क्या करवा लेगा, समझ नहीं आ रहा। फिर अलॉयज या मिश्र धातु, नॉन मेटल्स, पोजिशन ऑफ नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूसेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल के जो मेन एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, इन ग्रुप्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल चीज आपको नहीं, वो देखने में आपको डरावना लग रहा है लेकिन एक्चुअली डरावना है नहीं। उसका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग द अल्कोहल, एसिटिक एसिड, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ द सम जनरल आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, पॉलीथीन या आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, सोप, डिटर्जेंट, तो ये पूरा केमिस्ट्री वाला आपको दिया। अब इसमें क्या चीज है ना कि बहुत मतलब सिंपल तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ऐसी चीजें जो बहुत इजीली आप लोग इसको आपको कर सकते हो, या सोप या टेफ्लॉन्स हो गया, या मेटल नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल का पूरा आपको पढ़ लिया तो मैक्सिमम चीजें आपकी वैसे यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो वो दिखने में खतरनाक लग रहा है बट एक्चुअली वो इतना खतरनाक यहाँ पर आपको है नहीं। फिजिक्स की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, कंजर्वेशन एंड न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलार एनर्जी, causes of origin, causes of origin and energy in the sun, solar heating device, solar cooker, solar cell, wind energy, biomass, fossil fuel, ideal fuel, property of the ideal fuel, nuclear energy, nuclear fission, nuclear fusion, chain reaction, nuclear reactor, उसके न्यूक्लियर एनर्जी के नुकसान आपको है। अब ये चीजें आप लोगों ने नॉर्मली, आप जब अगर आपने मेंस के लिए अगर आपको फिजिक्स पढ़ा है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं है। फिर एमपी आ गया, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एमपी एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लाइट, लाइट वाला टॉपिक आ गया, नेचर ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर प्लेन और कर्व सर्फेस पे इमेज फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन सर्फेस, फिर रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर,
डिटरमिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑन द कॉनकेव लाइंस मिरर बाय द सिंगल पिन मेथड। चलो ये अलग है सिंगल पिन मेथड से। उसके बाद नॉर्मल आप जो हम लोग रे डायग्राम पढ़ते हैं तो पूरा रे डायग्राम वाला यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शनरी ऑफ द ग्लास स्लैब, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेली लाइफ, है ना। फिर लेंसेस हो गए, कन्वर्जन एंड डाइवर्जिंग, मतलब जो लोग आपके अपसारी और अभिसारी लेंस आपको हो गए, कॉनकेव कॉन्वेक्स, डेफिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, उसने बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको लिख दिया है। इसमें टफ कुछ भी नहीं है, देखने में टफ लग रहा है नहीं। फिर ह्यूमन आईज, इट डिफेक्ट एंड रेमेडीज, कंपेरिजन बिटवीन द फोटोग्राफिक कैमरा एंड द ह्यूमन आई, है ना। फिर सिंपल टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन्फ्लुएंस वेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पूरा वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा टॉपिक है। थर्मल इफेक्ट ऑफ द करंट, इसके यूसेज हो गए, केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स आपको हो गए, फिर आपका लिक्लियन सेल, ड्राई सेल, लीड एक्यूबेटर सेल, उनके कंस्ट्रक्शन, मतलब जो सेल वाला टॉपिक आपको मेंस में दिया है वही का वही जो टॉपिक है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपको दिया है। इसमें भी कोई अंतर आपको नहीं है। तो मैक्सिमम टॉपिक वही है जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े हैं। क्या टॉपिक है भाई? इसमें सिर्फ एनर्जी दिया है, लाइट दिया है ना, और इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया, इन्हीं टॉपिक को उसने डिटेल में यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, है ना। फिर उसके बाद आपका आपका जो ऑर्सेट एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल इन यूज ऑफ द जनरेटर, जनरल स्टडीज ऑफ द आपका लैटरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट हो गए, अल्टरनेटिंग करंट के अलावा, फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया, कैथोड रे हो गया, एक्सरे हो गया, मैग्नेटिज्म आपको हो गया। सेम मैग्नेटिज्म का टॉपिक हमने मेंस के लिए भी आपको पढ़ा था, ये टॉपिक भी इसमें से कई सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी मेंस के लिए आपको पढ़ा था ना। मेंस 12th की नहीं भाई, तुम मेरे फिजिक्स के नोट्स पढ़ लेना, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक जितने भी दिए हैं वो सब पढ़ लेना। हाँ मतलब कुछ चीजें उसने दी हैं जो मेंस के हिसाब से है, 12th वाला सिलेबस आपको दिया हुआ है, बट इतना डिटेल अपने को जाना ही नहीं है। अपने को बहुत ऊपरी तौर पर इसको पढ़ना है ना, अपर लेवल पे आपको पढ़ना है कि बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फैक्ट एंड फिगर्स है वो पढ़ना है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टी, प्लॉटिंग द लाइंस ऑफ द फोर्स, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक सिस्टम, है ना। फिर मेरिडियन हो गया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, है ना, ये तमाम चीजें। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ पर है। दिखने में लग रहा है कि बहुत डिटेल आपको है, बट एक्चुअली उतना डिटेल उसने आपको दिया, मतलब लग रहा है डिटेल है, डिटेल भी है। तो बहुत ही बेसिक चीजें आपको पढ़ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें पढ़ना है। मैक्सिमम चीजें आपको जो पीएससी वाला सिलेबस उससे हो जाएगी, एक्स्ट्रा टॉपिक आप अलग से एनसीईआरटी से यहाँ पर आपको पढ़ सकते हो इसके अंदर स्पेशली, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी दिया है, एनिमल न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, आपका होलोजोइक, पैरासिटिक हो गया, सेप्रोफाइट्स हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशन हो गए, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपको हो गए। भाई ये पूरा मतलब एनिमल न्यूट्रिशन उसके टॉपिक को उसने डिटेल में कर दिया कि उन टॉपिक्स को उसने 5 जगह यहाँ पर आपको लिख दिया है। तो वो बस सिलेबस को उसने डिटेल में डिफाइन कर दिया है और कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस, डाइजेशन इन यूनिसेल्युलर एंड सेल एनिमल अमीबा वगैरह के अंदर, मल्टी सेल्युलर मतलब एनिमल के अंदर डाइजेशन, और उसके अलावा ह्यूमन में डाइजेशन हो गया, सेल्स में डाइजेशन आपको हो गया, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस दिया है। तो पूरा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम वगैरह सब कुछ, फोटोसिंथेसिस मेन स्टेप टू प्रोसेस ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन, ये ऑलरेडी हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग देखते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑब्वियसली बात, कोई अगर रेस्पिरेशन पड़ेगा तो एरोबिक और एनारोबिक, है ना, वायुजीवी अवायुजीवी उसको जरूर पड़ेगा, उसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने लिख दिया उसको। फिर रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग एंड मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपका कोशेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर इन द प्लांट्स एंड एनिमल, इन द ह्यूमन बींग एनिमल वगैरह के अंदर। फिर कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फंक्शन, स्ट्रक्चर, वर्किंग, हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, ब्लड बैंक हो गया, एक्सक्रीशन एंड एनिमल हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको हो गए, रेगुलेशन हो गया, डिजीज रिलेटेड टू द किडनी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द किडनी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों, बडिंग हो गया, रिजनरेशन हो गया। अब ये पता, ये टॉपिक अगर आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ी है, मतलब 5 जो किंगडम आपके एनिमल
पांच जो किंगडम्स आपको हैं वो पांचों आपको पढ़ी है, तो उसमें आप बडिंग, रीजनरेशन, सेक्सुअल, असेक्सुअल, उनका रिप्रोडक्शन, उनका सब कुछ चीजें यहाँ पर आपको पढ़ लोगे, तो वो पढ़ लोगे तो ऑलरेडी चीजें हो जाएंगी। फिर प्री के अंदर मेंस के सिलेबस में आपको लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ये लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग के मेथड्स हैं, ये सब कुछ मैंने आपको जो बायोलॉजी वाला टॉपिक का स्टार्टिंग है उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मतलब मैं बायो नहीं पढ़ाना इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये तो शिवम सर पढ़ाएंगे उसको काफी डिटेल में, बट आपको अगर पढ़ना है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। फिर आपका पार्थोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, हेरिडिटरी क्रोमोजोम्स एंड डीएनए, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ द सॉइल, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो थोड़ा सा उसको सिलेबस को उसे डिटेल में करके आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। सिलेबस डिटेल है, मैं मना नहीं कर रहा, हल्के में मत लेना उसको, बट चीजें ऑलमोस्ट आपकी इजी यहाँ पर आपको है। फिर एनवायरमेंट दिया, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, अब उसको उसने डिफाइन कर दिया। जेनरल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन आपको दिया है, उसके बाद स्पीशीज एंड आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोग्राफिक क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन। अब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात एप्लीकेशन तो पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस भी पढ़ोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल, मॉरल एंड अल्टरनेट विजन, ग्लोबल, नेशनल एंड फॉरेस्ट लेवल, इंडिया एज अ वाइड डाइवर्सिटी नेशन, हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, डैमेज हो गया, एनिमल स्ट्रगल आपको हो गया। हाँ, इसमें एक काम, एक किताब मैंने भी मंगाई है, एक शंकर आईएएस की फॉरेस्ट्री की किताब आती है, वो मैंने ऑर्डर की है अभी, तो वो आ जाएगी एक दो दिन में। अगर मुझे लगता है कि वो किताब भी अच्छी तो वो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, एक बार मैं पढ़ लूँ उसको फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब मैंने इंटरनेट और अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं उनसे पूरा सिलेबस मैंने बनाया है उधर वाला, फॉरेस्ट वाला, बट वो किताब मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर अच्छी होगी तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, आप उससे भी पढ़ सकते हो। इंडिया थ्रेटन्ड एंड लोकल स्पीशीज, थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल एंड नॉन ट्रॉपिकल कंजर्वेशन, अब ये सब बायोडाइवर्सिटी पढ़ती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, मेन्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में डायरेक्ट कंजर्वे वो दिया हुआ है आपको, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, रीजन, इफेक्ट, कंजर्वेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन एंड लोकल पोल्यूशन, तो ये पूरा पोल्यूशन वाला टॉपिक है, ये भी आपके सिलेबस में। फिर इसने कमी थी तो भैया डिजास्टर मैनेजमेंट जोड़ दिया, फिर उसने देखो समझो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट तो बोर्ड दिया, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, ह्यूमन पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल, पॉपुलेशन ग्रोथ, वेरिएशन ऑफ द पॉपुलेशन, वेरियस कंट्रीज, वेलफेयर स्कीम्स, ह्यूमन और एनवायरमेंटल, द ह्यूमन हेल्थ, तो बस उसको थोड़ा सा उसने डिफाइन कर दिया है, उससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं है। फिर यह है यूनिट नंबर 10, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक दिए हैं, अरिथमेटिक, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, लेबर, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, परसेंट, रेशियो, अलजेब्रा के अंदर भी पूरे अलजेब्रा के बेसिक रूल्स आपको दिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब चीजें दी हैं। ज्योमेट्री आपको पूरा दिया है, लाइन एंड एंगल, पैरेलल, ट्रायंगल, है ना, ये तमाम टॉपिक आपको। अच्छा, एक चीज और है, आप 2020 का पेपर आप देखोगे तो उसमें न्यूमेरिकल दिए हैं, उसने कम से कम 100 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको पूछे हैं, तो ये कई बार न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। किसके न्यूमेरिकल? बाकी यूनिट्स के, जैसे ट्री मेजरमेंट हो गया, तो ट्री फॉरेस्ट मेजरमेंट हो गया, ट्री मेजरमेंट हो गया, तो उसके कुछ एमसीक्यूज हो गए, या पीसीबी के कुछ एमसीक्यूज आपको हो गए, तो कुछ एमसीक्यू भी आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा सिलेबस, मतलब अच्छा है सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको है, लेकिन अगर एक बार डट के कर लोगे उसको तो चीजें आसान, दिक्कत आपको नहीं है। और प्रॉपर तरीके से अगर सिलेबस पढ़ लिया तो 300 350 300 नंबर इसमें लाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ पेपर आपको नहीं आता, थोड़ा एक लेवल वाला क्वेश्चन आपको आता है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक पेपर आपको आता है, तो पेपर देख के आपको लगेगा कि हाँ हो जाएगा। और पेपर कौन सा देखना है आपको, 100 क्वेश्चन के बाद देखना है, 50 तक तो आपको लगेगा कि अपना एमपी वाले सिलेबस है, 51 से लेकर 100, क्योंकि जब मैं अभी इसको मेंस में स्टार्ट करूंगा तो समय सिलेबस भी आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि इसका पूरा, सॉरी, सिलेबस क्या, पेपर डिस्कस करने का, तो पेपर भी हम लोग जब प्लस में पढ़ेंगे तो पेपर आपको डिस्कस करेंगे, या कल एक क्लास में हम लोग इसका जो पेपर है उसको, पेपर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा सिलेबस हुआ आपका पार्ट बी का, पार्ट ए ऑलरेडी चल रहा है एंड वी स्टार्टेड द पार्ट बी जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है।
रहा है। और इसके लिए सिंपली आप जाके प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, 6 महीने का एडिशनल डिस्काउंट जो है वो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कई सारे बैचेस चल रही है, प्री और मेंस का एक बैच चल रहा है, फॉरेस्ट का बैच चल रहा है, वर्ग एक का बैच चल रहा है, ऐसे कई सारे बैचेस अभी चल रही है और इनके माध्यम से आप अपना जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अभी 6 बजे यूट्यूब स्पेशल क्लास है जहां पर हम जो MMP वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए थैंक यू। लाइव हो गई ना क्लास फिर से, बहुत सर्दी हो रही है। हाँ जहां तक कट ऑफ की बात करें अनमोल, तो वो तो अगर पोस्ट के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि अभी पोस्ट कितनी होने वाली है। अगर पोस्ट बढ़ जाती हैं तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ भी यहाँ पर आपको काफी कम होगा। तो जहां तक उम्मीद है कि कुछ 80 से 100 के बीच में अगर पोस्ट आपको जुड़ जाती है तो इन दैट केस 150 के आसपास इसका कट ऑफ, मतलब 150 मतलब टोटल 300 के आसपास इसका कट ऑफ आपको रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का कट ऑफ बहुत ज्यादा आपको नहीं जाता है तो ठीक ठाक लेवल में रहता है। पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 100 तक पोस्ट हो जाती है तो वो 150 क्वेश्चन के ऊपर आपको नहीं जाएगा, है ना। और मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग 23 के लिए भी तैयारी कर रहे हो, 24 के लिए आपको तैयारी कर रहे हो तो, और आप फॉरेस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप फॉरेस्ट पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि हर तमाम तरह के लोग MBBS में आपको जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो थोड़ी सी इसकी तैयारी करके फॉरेस्ट की एग्जाम आसानी से निकाली जा सकती है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी वो PSC नहीं निकल पाया, उनका फॉरेस्ट यहाँ पर आपको निकल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी दूसरे रास्ते में चल के आसानी आपको हो जाती है। तो अगर आपका पेपर 1 और 2 में अच्छे नंबर आ रहे हैं प्री में, तो यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द पेपर ऑन द फॉरेस्ट, है ना। चलिए सो दैट्स